मुजफ्फरपुर के कारोबारी का बेटा दो दिनों से लापता, काफी भागदौड़ के बाद पुलिस ने दर्ज किया जीरो एफआईआर। मुजफ्फरपुर के भिखनपुर गांव निवासी कारोबारी गोपाल सिंह के पुत्र नमन सिंह पिछले दो दिनों से लापता हैं। परिजनों का कहना है कि दो दिन पहले जब वो घर से निकला उसके बाद वापस नहीं आया। इसके बाद खोजबीन के दौरान मुंगेर के सुल्तान बाबू घाट पर नमन की गाड़ी बरामद होने की जानकारी मिली, लेकिन उनका बेटा अभी तक नहीं मिला है। 24 घंटे बाद परिजनों ने मुंगेर और मुजफ्फरपुर में एफआईआर दर्ज करवाने के लिए थाने का चक्कर लगाया, जब जाकर बृहस्पतिवार को उनका जीरो एफआईआर मुजफ्फरपुर में दर्ज किया गया है। परिजनों की चिंता बढ़ती जा रही है और वे जल्द से जल्द अपने बेटे के वापस लौटने की उम्मीद कर रहे हैं। बृहस्पतिवार को पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सर, एक लड़का गायब है, सर क्या कुछ इनपुट मिल पाई है पुलिस को? इसमें जो सदर थाना क्षेत्र में है, एक आवेदन प्राप्त हुआ है जिसके अंतर्गत जो परिजनों ने आरोप लगाया है कि जो उनका लड़का है वो 21 तारीख को घर से निकला था और उसके बाद जो अपने दोस्तों के साथ और उसके बाद वो लौटा नहीं है। उसके बाद इनके परिजनों का कहना है कि उनके जो दोस्त हैं उन्हीं के जो द्वारा है इसके ऊपर जो है हत्या का और या नदी में डुबो की जो इस टाइप का आवेदन उन्होंने दिया है जिसपे वो अपना प्राथमिकी दर्ज करवाना चाह रहे हैं, जिसपे थाना के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। उस संबंध में जो तथ्य सामने आया वो ये है कि जिस दिन जो लड़का गया उसके ही अगले दिन जो है जो उसके दिन है मुंगेर जिला अंतर्गत सोजी घाट में जो है कुछ लड़के नहाने के लिए निकले थे जो जिसमें एक लड़के का परिवार भी था। उसी दरमियान जो है अभी तक के जो तथ्य आए हैं उसमें यह है कि दो लड़के जो है नदी में जो है उनका डूबने का जो बात आया उसके बाद जो है एक लड़का वहां बच गया और दूसरे एक लड़के का फिर पता नहीं चला। बाद में जो उनके साथ के दोस्त जो थे उनके द्वारा बताया गया कि जो लड़का है वो जो डूबा है वो उनका दोस्त था जिसका नाम नमन था और उसी संबंध में जो उनके परिजन है उनका उनके दोस्तों पर ही आरोप लगाया गया। परिजनों का अभी ये कहना है कि जो डूबने की बात है वो गलत है, वो भ्रामक है और ये जो इनके दोस्त हैं उन्होंने उनकी हत्या कर दी है या फिर कहीं उनका बेटा कहीं और भी हो सकता है। इस संबंध में जो है प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है जो है यहाँ सदर थाना से कासिम बाजार थाना को जो इन्होंने आवेदन यहाँ पर दिया क्योंकि घटनास्थल वहाँ का है इसलिए प्राथमिकी कासिम बाजार थाना को जो है दर्ज कर ली गई है। उसके अंदर जो है अब अग्रिम अनुसंधान जारी कर शुरू हो गया है और यहाँ से भी जो सदर थाना है वहाँ से भी हम लोग एक जो है टीम बना रहे हैं जो कासिम बाजार थाना के साथ संयुक्त रूप से जो है तथ्यों को सामने लाने के लिए जो है काम करेगी। साथ ही जो वहाँ पर जो जिस स्थान पर डूबने की बात हुई वहाँ पर जो है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने लगातार 3 दिन तक काफ़ी प्रयास किया परंतु अभी तक जो है वहाँ से रिकवरी नहीं हो पाई है। और जो अभी जो अग्रिम तथ्य हैं जो भी परिजनों के जो डाउट्स हैं और जो भी उनका अंदेशा है उन सभी पॉइंट पे पुलिस पूरी गहनता के साथ और पूरे साइंटिफिक तरीके से जो है अनुसंधान करके और हमारा प्रयास रहेगा कि जो परिजन हैं उनको जितने भी तथ्य हैं उनसे लगातार अवगत कराते रहें और इसमें जो है जो भी तथ्य अभी तक आए हैं वो ऑन द रिकॉर्ड हैं। परिजनों को पहले वहाँ भी जो है मुंगेर जिला में भी आवेदन देने के लिए बोला गया था परंतु परिजन इस बात पर थे कि हम आवेदन नहीं देंगे तो इसके बाद इन्होंने आवेदन यहाँ दिया जिसको फिर बाद में जो नया कानून उसके प्रावधान के हिसाब से प्राथमिकी को ऑनलाइन ही जो है जीरो एफआईआर करके वहाँ पर रजिस्टर कर दिया गया और अनुसंधान जारी हो गया। हम रिक्वेस्ट ही करते रह गए सर से, बार बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर मेरे फेवर में तो बात बोलिए, आपकी भाषा सर बदली हुई लग रही है। आप ये क्यों बोल रहे हैं कि उसकी गलती नहीं होगी? आप ऐसा शब्द नहीं बोलिए सर कि उसकी गलती नहीं होगी। आप क्यों बोल रहे हैं कि उसकी गलती नहीं होगी? आपके सामने आदमी है, आप उसे पूछ सकते हैं, तो आप बार बार बोल रहे हैं उसकी गलती अगर नहीं होगी आप उस पे गलत आरोप कैसे लगा रहे हैं बिना सोचे समझे? ये नहीं होना चाहिए। आपकी सिंपैथी मेरे लिए होनी चाहिए सर, हम आपके पास आके रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप हमारी बिहार पुलिस हैं, हमको आपसे उम्मीद है, हमारा बच्चा खोया है, हम किसे उम्मीद कर सकते हैं? आपके पास पावर है। ये 21 तारीख को निकला यहाँ से, 23 तारीख से 23 तारीख से फोन बंद हो गया उसका, अकेले गया यहाँ से या किसके साथ गया हम नहीं देखे। वो विशाल की मम्मी का कि हम ना बउआ को आपके एक साधु से दिखाने ले जा रहे हैं, जिस साधु की फोटो हम आपको दिखाते हैं, हमको कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो बोली कि हम जा रहे हैं साधु से दिखाने, आपके बच्चे को भी दिखा देते हैं, तो हमको समझ में नहीं आया तो हम
चूंकि मेरे से बड़ी है इसलिए हम नहीं कुछ बोले, लेकिन वो थोड़ी वो तंत्र मंत्र में विश्वास रखती हैं, तो हम सोचे कि अब हम क्या करें, लेकिन इतने में उनका फोन बंद हो गया। ये साधु हैं, ये इनके पास मेरे बच्चे को ये लोग ले गए, लेकिन अब किस मकसद से ले गए, क्या करना चाहते हैं, साधु क्यों है, ये कुछ तंत्र मंत्र वाली चीज है, हो सकता है मेरे बच्चे पे हम बहुत जगह पता किए तो लग रहा है कि नहीं मेरा बच्चा है ठीक है, उस पे कुछ तंत्र सिद्धि की जा रही है। पुलिस खोज भी नहीं, पुलिस खोज नहीं रही है, यहाँ सोई हुई है पुलिस, मुंगेर की पुलिस सोई हुई है, ऐसे सोए हुए में तो मेरा बच्चा फिर नहीं मिलेगा, उसके साथ कुछ हादसा हो जाएगा तो हम किसको जवाब दे बनाएंगे। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर, कॉल 9934753111।